बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह जो है मॉस्को वाला स्टेशन है अपने नो स्टेशन के बाद वहाँ पहुँचने। फिर इन्होंने बताया कि वो सामने पट्टी चल रही है वहाँ। Where are you from, brother? I'm from Turkestan. Turkestan? Turkestan. Turkestan? Yeah. Okay. फाइनली मैंने जो है हॉस्टल छोड़ दिया है और मैं इस टाइम जा रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट जो है आप लोग चीपेस्ट वे में किस तरह जा सकते हैं। मेरे पास फैन आईडी है जिसपे मेट्रो का जो सफ़र है वो बिल्कुल फ्री है। आज के फैन आईडी पे आप फ्री ट्रेवल ट्रेन के ऊपर दब कर सकते हैं मेट्रो के ऊपर जब आपका मैच जो है 24 आवर्स मैच से पहले या 24 आवर बाद। आज जो है कोई मैच नहीं है, कल तो कोई फ्री राइड नहीं है। मैंने टिकट परचेस किया 60 रुपये का और अभी मैं जा रहा हूँ दो मेट्रो स्टेशन चेंज करके अपने अपार्टमेंट की तरफ। वहाँ पर मैं अपने लगेज रखूँगा, लगेज रखने के बाद फिर मेरी एयरपोर्ट की जर्नी स्टार्ट होगी सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट। मैं स्टेशन के ऊपर हूँ, ये स्टेशन का नाम है वेसिलियो स्ट्रोवेस्काया। नाम इतने अजीब वो गरीब से हैं यार। और यहाँ से अभी मुझे जो है वो एक गोर्डिस नाम का स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन है, वहाँ पे जाना है। और उधर जाने के बाद जो है फिर मैं ब्लू लाइन लूँगा। ब्लू लाइन लेने के बाद फिर जो ब्लू लाइन है वो मुझे अपनी अपार्टमेंट की लोकेशन पर छोड़ेगी, उसके करीब जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर। तो अभी चलते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आती है उसके बाद अंदर चलेंगे और नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। भाई ये गोस्टिनी दिवोर स्टेशन है, यहाँ पे मैं उतर गया हूँ। ये ट्रेन जो है अभी यहाँ से चली जाएगी, इस ट्रेन से मैं उतरा हूँ क्लोज। अब ये जा रही है और गोस्टिनी दिवोर से मुझे जो है वो ब्लू लाइन लेनी है। और ब्लू लाइन अगर आप मेरे बैग पर देखें तो सेंटर में मुझे डाउन स्टेयर्स पर जाना पड़ेगा। तो ब्लू लाइन के लिए डाउन स्टेयर्स पर जाते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा मेन स्टेशन है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैंने अपार्टमेंट बुक किया हुआ है। पाकिस्तान, ये भाई है, इनसे मैंने पूछा कि स्टेशन का, क्योंकि मैं नीचे उतरा दो तरह के रास्ते थे, एक राइट पर जा रहा था एक लेफ्ट पर। मैंने इनसे पूछा कि स्टेशन जो है इस पर मुझे जाना है, पेत्रो गे दिस्काया ऐसा कुछ नाम है स्टेशन का, वहाँ मुझे जाना है। तो इन्होंने बोला ओके फॉलो मी, जिम करके आ रहा है वही लड़का, फुल पसीने पसीने हुआ है। मेरे से पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बोलता है गुड गुड। यहाँ पे ज़्यादातर गुड गुड ही चलता है क्योंकि वो बात अपनी लैंग्वेज में ही करेंगे, बस आपको हूँ हाँ करते रहना है ताकि कम्युनिकेशन स्किल चलती रहे। और जब कम्युनिकेशन चलती रहेगी तो फिर खुद ही रास्ते आसान होते रहते हैं भाई। अगर आप चुप होकर बैठेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे कल से हमें जो है काफ़ी लोगों से मिल रहा है जो इंग्लिश बोल सकेंगे, पर कम्युनिकेशन बैरियर तभी आ सकता है जब आपके अंदर स्किल्स ना हो। आप लोगों से इंटरेक्शन करें, बातचीत करें, घुल मिल जाए उनके साथ। भाई ट्रेन आ गई है और ये भाई ने बोला मैं भी इसी सेम स्टेशन पर जा रहा हूँ, पेत्रो ग्रदिस्काया, इस स्टेशन पर। दो स्टेशन छोड़ कर ये स्टेशन है तो अभी हम चलते हैं यार। मैप है मेट्रो का, आपने जब यहाँ आना इसकी पिक्चर ले लेनी है, ये पिक्चर ले लेनी है आपने हर जगह पे मेट्रो जाती है। अभी मैं जो हूँ पेत्रो ग्रेट्सकाया स्टेशन है, यहाँ पर हूँ मैं। और स्टेशन्स के नाम मैं मेंशन कर दूँगा यार, इसके बाद मैं अपार्टमेंट से लगेज रखने के बाद जब यहाँ वापसी आऊँगा तो मैं इस स्टेशन से पेत्रो ग्रेट्सकाया से मैं यहाँ से ब्लू लाइन पे ही जाऊँगा। और ये सामने है मॉस्कोवस्काया, मॉस्कोवस्काया स्टेशन पे मैं उतर जाऊँगा। उतरने के बाद मैंने बस लेनी है और बस सीधा जाएगी पुलकाओ एयरपोर्ट
सेंट पीटर्सबर्ग टर्मिनल 1 पे, तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ अपार्टमेंट, लगेज रखता हूँ, उसके बाद मैं सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट जाऊँगा। जो हूँ वो पेत्रोग्रस्काया स्टेशन, जहाँ से मैं अपार्टमेंट गया था उसी स्टेशन पे हूँ। मैंने 60 रबल दे के यहाँ पर फिर टिकट लिया है, क्योंकि फैन आईडी पे जो आज मैच ही नहीं है तो कोई ट्रैवलिंग नहीं है। 60 रबल दे के मैंने मैच का टिकट लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ मॉस्को वाया जो है वो ये स्टेशन है, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद जो है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ एयरपोर्ट का आगे क्या सिस्टम है। अभी तक 120 रबल लग चुका है। तो ये एक बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह जो है मॉस्को आया स्टेशन में, अपने नो स्टेशन के बाद वहाँ पहुँचने। फिर उन्होंने बताया कि वो सामने पट्टी चल रही है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आएगा। तो अभी मैं जो है बुलकाऊ एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने दोस्तों को पिक करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ मॉस्को आया स्टेशन के बाद बस कैसे लेनी है और कैसे वहाँ से ट्रैवल करनी है। मॉस्को वाया जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। अभी यार मुझे यहाँ से थोड़ा सा रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो मैं किसी लोकल से बात करता हूँ कि पूछता हूँ कि बस जो है कौन से स्टेशन से मिलेगी। मैप पे शो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। तो मैं पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, उसने मेरी हेल्प की है, मुझे बोला कि आप जो है इस तरफ सीधा चले जाएँ और ट्रांसलेटर आपके भाई ने यूज़ किया है। तो लड़के ने वैसे भी मुझे स्ट्रेट स्ट्रेट बता रहा था, मैंने ट्रांसलेटर उसे खोल के दिया रशियन लैंग्वेज, उसने टाइप किया, उसने बताया कि आप स्ट्रेट जाओगे अब स्टेयर्स पे 39 नंबर बस से, जो कि आपको पुल को वो एयरपोर्ट लेके जाएगी डायरेक्ट एयरपोर्ट। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? Turkestan. Yeah. Okay. This brother from Turkestan helping me to guide how to go to airport. And there is some 39 bus. और उस बस में हमने बैठ के जाना है। अब ये 39 bus. The next one. Okay. Thank you so much, brother. This is the 39 bus. And I am going to airport now. यार ये बस है 39 और ये पुलकोवो एयरपोर्ट के लिए जाएगी। ये मेरे को जिस स्टेशन से मिली है मॉस्कोवो जो स्टेशन है वहाँ से 39 ये बस है डायरेक्ट जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। दिस इज टिकट एंड ओके 55 रबल्स। ओके 55 रबल का ये टिकट है पुलकोवो एयरपोर्ट जाने के लिए। भाई मैं जो हूँ पुलकोवो एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, और पुलकोवो एयरपोर्ट जो है कुछ इस तरह का बना हुआ है। अराइवल पे मैं खड़ा हुआ और सिटी सेंटर से यहाँ पे आने के लिए मेट्रो 60 रबल, उसके बाद बस 39 नंबर जो कि 55 रबल, 115 रबल में आप पुलकोवो एयरपोर्ट चीपेस्ट वे में आ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करा करें, शेयर करा करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन हो और मैं और वीडियोस बनाऊं।